हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे टेक न्यूज लेकर मैं आ गया हूँ आज। और ये मेरा टेक न्यूज का पहला एपिसोड है। मैं हर दिन आज से टेक न्यूज लेकर आता रहूंगा और बहुत सारे टेक न्यूज लेकर मैं आ गया हूँ। तो पहला एपिसोड है ये, तो प्लीज टेक न्यूज अगर आपको चाहिए हर दिन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए मेरा, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर टेक न्यूज पसंद आया। तो सबसे पहला जो टेक न्यूज आ रहा है वो है गूगल की तरफ से। गूगल आईओ 2019 का जो डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस है वो होने वाला है 7 मई से 9 मई तक। जो सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि गूगल डेवलपर कॉन्फ्रेंस शेड्यूल होने वाला है 7 मई से 9 मई तक, और वो होने वाला है शॉर्लिन एम्पी थिएटर इन माउंटेन व्यू पे वो होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आईओ कॉन्फ्रेंस में तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। और दूसरा जो टेक न्यूज आना है वो है फोर्टनाइट लवर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप फोर्टनाइट खेलते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि फोर्टनाइट 7.30 का अपडेट लेकर आ रहा है, जिस अपडेट के थ्रू आपको निंटेंडो स्विच वर्जन में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और एपिक गेम्स ने ये कॉन्फर्म भी किया है कि 7.30 जो अपडेट है वो आपको जल्दी से मिल जाएगा और निंटेंडो स्विच वर्जन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप फोर्टनाइट खेलते हैं तो लिमिट में खेलिए, क्योंकि इंडिया में तो पबजी खेलते हैं सब, और एक्चुअली लिमिटेशन ज़रूरी है गेम खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर जो है वो पबजी में बिल्कुल बह चुके हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, अपडेट तो ठीक है पबजी में भी आता है, फोर्टनाइट में भी आता है, पर एक लिमिट में रह के कहिए, एक टाइम कर लीजिए खेलने के लिए। और दूसरा न्यूज आ रहा है वन प्लस 6T को लेकर। जी हाँ, वन प्लस 6T जो यूजर्स है वो ये कॉम्प्लेन कर रहे हैं कि वन प्लस 6T में बैटरी का ड्रेन इशू आ रहा है, और इससे कारण से वन प्लस 6T यूजर्स ने जो है वन प्लस का जो फोरम है कस्टमर सर्विस वहाँ पे भी कॉम्प्लेन किया है। देखते हैं वन प्लस 6T इस पे क्या एक्शन लेता है। और बैटरी ड्रेन जो इशू है वो एक्चुअली मैं समझता हूँ एक बड़ा इशू है, क्योंकि लगभग आज के दिन में हम मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता कि हम बार बार प्लग इन करें फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है वन प्लस को एक जल्दी एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा जो टेक न्यूज़ है वो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने दो लैपटॉप जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है आज, यानी 28 जनवरी से, जो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू मिल जाएगा। वो दो लैपटॉप है, एक है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 6 और एक है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप 2। तो ये दो लैपटॉप इंडिया में आज लॉन्च हो गया है, और माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस प्रो 6 का जो प्राइस रखा गया है, जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है 83,999, और जो लैपटॉप 2 है माइक्रोसॉफ्ट का उसका प्राइस रखा है 91,999। तो माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस है लैपटॉप का, मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्राइस हर बार की तरह इस बार भी ज़्यादा ही रखा है इंडिया मार्केट के हिसाब से। तो देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पे जाके। और दूसरा जो टेक न्यूज़ है वो आ रहा है जियोफोन यूजर्स के लिए। जियोफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी ये है अभी जियोफोन यूजर्स भी रेल की टिकट अपने फ़ोन के थ्रू बुक कर पाएंगे। किसकी मदद से? ऐप की मदद से। जी हाँ, जियो ने जियोफोन के लिए अभी एक जियो ऐप स्टोर जो है वहाँ पे जाके आप जियो रेल ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे, और उस ऐप के थ्रू आप रेल की टिकट बुक कर पाएंगे, पीएनआर स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, उसके साथ ही आप पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ई वॉलेट्स को भी यूज़ कर पाएंगे। तो ट्रेन का टिकट बुक करना शुरू कर दीजिए जियो फोन के थ्रू, और ये आपको जियो फोन 1, जियो फोन 2 दोनों में ही अवेलेबल है। तो जल्दी से जियो ऐप स्टोर पे जाइए और ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। अभी दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग ने एम सीरीज़ का जो फ़ोन है वो लॉन्च होने के लिए सेट है इंडिया पे, और M10 और M20 ये दोनों ही फ़ोन इंडिया में जल्दी से लॉन्च होने वाला है, और इसका जो प्राइस है वो भी रिवील हो चुका है। तो M10 का जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 2 GB रैम और 16 GB का रोम मिलेगा, उसका प्राइस रखा है 7,990 रुपये जो। और उसका जो हायर वेरिएंट है, यानी जो 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस रखा है 8,990 रुपये। और M20 जो है उसका भी प्राइस रिवील हो गया है। उस M20 का जो आपको 3 GB और 32 GB वाला वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है, उसका प्राइस रखा है इंडिया के लिए 10,990 रुपये। और M20 का जो दूसरा वेरिएंट है, हायर वेरिएंट है, जो आता है 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ, उसका प्राइस रखा है 12,990 रुपये। तो सैमसंग ने डुअल कैमरा लेकर मिड रेंज जो मार्केट है इंडिया का उसमें एंटर कर चुका है, एम सीरीज को लिया है इसलिए। और M10 और M20 दोनों ही डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है। दोनों ही फोन का अगर प्राइस देखे तो इफेक्टिव प्राइस रखा है इंडिया के मार्केट के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये शाओमी या फिर
एसूस और जितने भी ब्रांड है रियलमी उनको टक्कर दे पाता है कि नहीं है। और दूसरा जो टेक न्यूज आ रहा है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी ने 2019 एडिशन C1 लॉन्च कर दिया है इंडिया में और 5 फरवरी से आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू ये फ़ोन मिल भी जाएगा। तो रियलमी C1 जो है वो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि सैमसंग का जो एम सीरीज है उसको टक्कर देने के लिए उसका जो प्राइस रखा है बहुत ही इफेक्टिव है। जो बेस वेरिएंट है रियलमी C1 का उसका प्राइस रखा है 7,500 यानी 7,499 रुपीज़। तो मुझे लगता है कि जो रियलमी C1 है जो उसका जो स्पेसिफिकेशन है जो बेस वेरिएंट है जो आता है 2GB रैम और 32GB रोम के साथ वो बहुत इफेक्टिव है और प्राइस के हिसाब से। और उसके साथ ही अगर दूसरा वेरिएंट की बात की जाए जो आता है 3GB रैम और 32GB रोम के साथ जिसका प्राइस रखा है 8,499 रुपीज़। C1 का अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें इस फोन में आपको एंड्रॉयड 8.1 OS मिल जाता है जो आता है ऑक्सीजन OS 5.1 के साथ। ये एक बड़ा डिस्प्ले वाला फ़ोन है यानी 6.2 इंच का इसका डिस्प्ले है, पर डिस्प्ले अगर की बात करें डिस्प्ले HD प्लस है, फुल HD नहीं है। और फोन की अगर पैनल की बात करें इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का पैनल दिया गया है। 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये फ़ोन आता है। और SoC की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 450 SoC दिया गया है। और दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो है पबजी लवर्स के लिए, पबजी गेम जो प्ले करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि पबजी ने थाईलैंड पे एक पबजी लाइट ओपन बेटा लॉन्च कर दिया है। गेम जो आप का अगर पबजी प्लेयर है तो आपका लो एंड लैपटॉप या फिर PC में आप पबजी प्ले कर पाएंगे बहुत ही स्मूथली। और इंडिया में शायद अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिया में जब भी लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा, पर थाईलैंड के लिए ये एक कह सकते हैं गुड न्यूज़ है। और आलिया फिलीपींस में भी आपको देखने को मिला था पबजी लाइट जो मोबाइल फ़ोन है जो लो एंड मोबाइल फ़ोन है उसके लिए लॉन्च हुआ था ये गेम ताकि मोबाइल यूजर्स भी पबजी को खेल पाए अच्छी तरीके से। और दूसरा न्यूज़ आ रहा है वीवो की तरफ से, जी हाँ वीवो एपेक्स 2019 जो MWC में शोकेस्ट किया है एक फ़ोन जो है सुपर यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ और एक कह सकते हैं कि 5G अनेबल फ़ोन है ये। और इस फ़ोन में कोई भी फिजिकल बटन आप पिक्चर में देख सकते हैं नहीं है और कोई भी पोर्ट भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये फ्लैश प्रूफ भी होने वाला है ये फ़ोन। तो देखते हैं आगे वीवो का जो ये फ़ोन है वो कैसा होता है और 2019 का सबसे पहला 5G फ़ोन होता है कि नहीं। दूसरा न्यूज़ आ रहा है शाओमी की तरफ से, शाओमी का जो रेडमी नोट 7 है वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये खुद कन्फर्म किया है शाओमी का जो इंडिया में हेड है मनु कुमार जैन, उन्होंने ट्विटर पर टीस्ट किया है कि बहुत जल्दी नोट 7 इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो देखते हैं शाओमी का नोट 7 इंडिया में लेकर आता है। तो यही था आज का टेक न्यूज़ और मुझे लगता है आपको पसंद अगर आया है न्यूज़ अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है उसमें जरूर क्लिक कीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर से आपसे मुलाकात होगा, जय हिंद वंदे मातरम।